हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम बनाते हैं कॉर्न पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्रेश स्वीट कॉर्न ली है। इसे दो पीसेज में कट कर लेंगे और जिस तरह से मैंने इसे कट किया है, आप चाकू की मदद से इसे कट कर लें। चलिए, पूरा स्वीट कॉर्न हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश और कच्ची है, तो थोड़ा थोड़ा इसका पीस टूट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा अदरक ग्रेट किया हुआ और दो प्याज बारीक कटा हुआ। यहाँ मैंने लगभग 100 ग्राम पालक थोड़ी चॉप करके डाली है। आप चाहें तो हरा धनिया डाल लें इसकी जगह। अब सभी मसाले डालें टेस्ट के अनुसार। अच्छी तरह से इन्हें हाथ से मिक्स कर लें। अब यहाँ मैंने आधा कप बेसन डाला है ताकि वो पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और पकोड़े अच्छे से बाइंड हो जाएं। आप इन्हें हाथ से अच्छी तरह से मैश करें। पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्वीट कॉर्न बिल्कुल फ्रेश और जूसी था। हल्का सा हाथ से चेक कर लें कि पकौड़े की शेप बन जाएगी। अगर नीड हो तो थोड़ा और बेसन डाल लें। साइड में हमने तेल को गरम किया हुआ है। शुरू में तेज़ तेल गरम में ही डालें। अब थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट लें और हल्का कलर आने के बाद गैस को मीडियम कर लें। ये देखिए, बिल्कुल अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। अब आप इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म किसी भी चटनी या चाय के साथ एंजॉय करें। मॉनसून सीजन के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है ये, इसे ज़रूर ट्राई करें।